हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, पद वृद्धि के साथ थर्ड काउंसलिंग पूरी की जाए, इसके लिए हमारे भाई और बहन लगातार भोपाल में संघर्ष कर रहे हैं और आप सभी भी साथ दे रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि 26 और 27 तारीख को भोपाल में पद वृद्धि के लिए एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया है दोस्तों, और उसकी पूरी अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, आप भी जो संघर्ष है वो आप स्वयं देख सकते हैं दोस्तों। जो हमारी ज़मीनी स्तर की टीम है वो लगातार प्रयासरत है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो मैसेज भेजा गया है उसे पढ़कर आप समझ सकते हैं कि कितनी कठिन स्थिति बनी हुई थी। ये जो मैसेज है हमारी ज़मीनी स्तर की टीम की तरफ से आया है और इसे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें दोस्तों। 2018 पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण चयनित अभ्यर्थियों द्वारा 26 जुलाई को प्रदर्शन किया जा रहा था, जबकि अभ्यर्थियों को मालूम नहीं था कि उस दिन श्री अमित शाह जी आ रहे हैं। भोपाल प्रदर्शन DPI किया जा रहा था। इसके बाद अभ्यर्थी BJP कार्यालय की रूपरेखा पहले से ही बना चुके थे, परंतु उसी दिन श्री अमित शाह जी का आना उन्हें मालूम नहीं था। शासन प्रशासन को खबर लग गई थी और अभ्यर्थी को प्रदेश कार्यालय जाने से रोका गया, जिसमें हमारे कई साथी भाइयों और पुलिस वैन में बैठाकर कहीं दूर स्थान पर ले जाया गया। वहीं कई महिला अभ्यर्थी घर जाने की गुहार लगाती रहीं, परंतु उन्हें नहीं जाने दिया गया। कई बार कहने के बाद उन्हें छोड़ा गया, परंतु धरना प्रदर्शन स्थल पर मौजूद रचना व्यास जी, रक्षा जैन जी, पुलिस वैन में बैठने से मना कर दिया और कहा कि क्या गलती है हमारी, यदि आपको डर है कि हम प्रदर्शन कार्यालय चले जाएंगे तो हमारे लिए यहाँ पर ड्यूटी कीजिए। हमें टेंट में बैठे हैं, परंतु हम किसी पुलिस वैन में बैठकर कहीं नहीं जाएंगे, और यदि सरकार शासन को इतना ही डर है तो हमारे 2018 शिक्षक भर्ती के पदों में वृद्धि कर तृतीय राउंड काउंसलिंग आयोजित की जाए और हम सभी पात्र चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए। चुनावी वर्ष में मामा जी सभी के खुश करने में लगे हैं, तो हम भी मामा जी के भांजे भांजियाँ हैं और लाडली बहनें हैं, हमारा भी अधिकार है, हमें भी मामा जी नियुक्ति पत्र प्रदान करें। ये दोस्तों एक बहुत बड़ा मैसेज है आप सभी के लिए, जो थर्ड काउंसलिंग पद वृद्धि के समर्थन में लगातार प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। दोस्तों फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद। क्यों आप करोड़ों रुपए में फॉर्म भरवाते हैं, लोगों से 1,000 रुपए ले लेते हैं गरीबों से फॉर्म भरने के नाम पर? अच्छा, 10, 20, 50, 100 पद निकालते हैं, 50-50 पद आए थे विज्ञान सामाजिक विज्ञान में, 100 पद हिंदी संस्कृत में आए थे, और आपने हजारों पद भरवा लिए, लाखों रुपए इकट्ठा कर लिए चुनाव पे के लिए परीक्षा के नाम पे, और इस बार फिर आपने यही किया है। बार बार आप युवाओं को धोखा दे रहे हैं, भर्ती के नाम पे फॉर्म भरवाते हैं और कुछ नहीं करते, नियुक्ति के नाम पे सीटें पहले ही बिक जाती है। कितने घोटाले, कितनी विसंगतियां इन भर्तियों में, जिनके अगर CBI जांच होना तो अच्छे अच्छे अधिकारी जेल में, या फिर पढ़ लिख कर इस तरह से यहाँ पे धरना दो। यही हाल है यहाँ पे प्रदेश में। ये हमारी बहन छोटी बेटी को लेके आ रही है धरने पे,
मामा जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर बेटी को पढ़ा लिखा कर सड़कों पर बिठा कर आंदोलन करवाओ बेटियों से, लाडली बहनों से। जब उन्हें सम्मान का जीवन नहीं दे सकते तो अपमान किस लिए? 1000 रुपए देकर ये बहनों का सम्मान करना चाहते हैं, और वो बहनें जो पढ़ लिख कर रोजगार हासिल करना चाहती है, स्वाभिमान से जीना चाहती है, उनके लिए 1000 मामी समझाओ मामा को अपनी ही बात में, भैया का नाम लेके रोती है रात में, मामी समझाओ मामा को अपनी ही बात में, थर्ड काउंसलिंग करवाने की दे दो इन्हें सौगात, उलझन हो जाएगी प्यारी बहनों के साथ। अरे मामा जी का नाता लेके बैठे हो रात में, अवन सुनी अन देखी करते बहनों के काज में, मामा जी का नाता लेके बैठे हो रात में, अन सुनी अन देखी करते बहनों के काज में, सुनो मामा जी अब की बारी इन बहनों की बात, उलझन हो जाएगी प्यारी बहनों के साथ। अरे 2018 से लेकर 5 वर्ष की बात है, अरे 2018 से लेकर 5 वर्ष की बात है, आज तक हमारे दिल में निपटिया है, 2018 से लेकर 5 वर्ष की बात है, आज तक हमारे दिल में निपटी की आस है, हाथ जोड़ कर बहने भांजे, अरे हाथ जोड़ कर बहने भांजे करते सभी पुकार, उलझन हो जाएगी प्यारी बहनों के साथ। अरे 8 मई से धरना पर बैठे बहने और भांजा, अरे 8 मई से धरना पर बैठे बहने और भांजा, हम सब की पुकार सुन लो मामा अब मान जा। अरे वाह यार क्या थकान आई यार देखो। 8 मई से धरना पर बैठे बहने और भांजा, हम पुकार सुन लो मामा अब मान जा, 3000 उपेक्षित विषयों में, 3000 उपेक्षित विषयों में शिक्षक भर्ती कर दो आज, उलझन हो जाएगी